सराय में लीची के लिए जमकर बवाल हुआ है। लीची के लिए गोलीबारी हुई और जमकर मारपीट हुई। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं लोग, आपस में लड़ाई झगड़ा, लाठियां लेकर के, और औरतें भी वहां पर एक दूसरे पर फल और अन्य सामग्री फेंकते हुए, वहां लड़के युवा आपको देख रहे हैं कि गांव खेड़े में कहीं पे ये बेगूसराय में ये होता हुआ लग रहा है, ये झगड़ा हो रहा है, लीची के लिए झगड़ा हुआ है। चंद्रमोहन बताएं ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बेगूसराय की ये घटना है जहां पर एक फुलवारी में जाकर कुछ लोगों के ऊपर लीची और आम के पेड़ से फल तोड़ने का आरोप है, और जैसे ही जिसके लीची और बगान से आम तोड़ा गया था उसने कंप्लेन करने की कोशिश की और इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसी दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे और उसके बाद लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनको साहेबपुर कमाल के PHC में अभी भर्ती कराया जा रहा है। तो वहीं अभी भी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, और साफ तौर पर यह बताया है कि जब ये भारी संख्या मुकेश के फुलवारी में पहुंचे थे, उसके बागवानी में पहुंचे थे और वहां पर लीची और आम तोड़ रहे थे, तभी उसने विरोध करने की कोशिश की, उसने आवाज उठाया कि आप इस तरह से पहुंचकर और किसी के फुलवारी से आप सामान नहीं तोड़ सकते हैं, बागवानी से सामान नहीं तोड़ सकते हैं, लीची और आम नहीं आप उठाकर लेकर जा सकते हैं तोड़कर, और इसी के बाद यह बवाल भड़का है, जिसके बाद जो ये दबंग लोग हैं भारी संख्या में पहुंच गए और उसके बाद जमकर उसकी पिटाई कर दी। जी धन्यवाद।